अक्षय कुमार के साथ दिखेगी जंग। सूर्यवंशी के बैटमैन होंगे गुलशन ग्रोवर। विलन के रोल में मोस्ट फेवरेबल एक्टर गुलशन ग्रोवर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर बैटमैन बनने को तैयार हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी में जहां अक्षय कुमार हीरो होंगे, वहीं गुलशन ग्रोवर विलन के रोल में नजर आएंगे। साल 2020 में आने वाली फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग इस वक्त बैंकॉक में चल रही है। बैंकॉक में फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के नेगेटिव किरदार का भी खुलासा हो चुका है। हाल ही में फिल्म के विलन के बारे में भी अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन एक्टर का नाम अनाउंस नहीं किया गया था। इस अनाउंसमेंट के बाद से ही लोगों में विलन को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। खैर, गुलशन ग्रोवर ने जब से टीम को ज्वाइन कर लिया है तो फिल्म के विलन के बारे में भी लोगों को पता चल चुका है। गुलशन ग्रोवर की एक्टिंग से तो हर कोई वाकिफ है। उन्होंने पहले भी नेगेटिव रोल निभाए हैं और एक बार फिर से गुलशन बैटमैन बनने को तैयार है। फिल्म में अक्षय कुमार एटीएस चीफ वीर सूर्यवंशी का रोल निभाएंगे, वहीं उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ उनकी वाइफ के रोल में नजर आएंगी। गुलशन ग्रोवर और अक्षय कुमार की जोड़ी पहले भी पर्दे पर नजर आ चुकी है। इन दोनों ने साथ में खिलाड़ियों के खिलाड़ी, हेरा फेरी, इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। खैर, गुलशन ग्रोवर ने रोहित शेट्टी के बारे में कहा है कि रोहित शेट्टी की फिल्मों के वो बहुत बड़े फैन हैं। अब तक उन्हें जितनी भी सफलता मिली है वो डिजर्व करते हैं और अपनी फिल्में बनाते समय वो फैमिली और यंग ऑडियंस का भी ध्यान रखते हैं। उन्होंने बताया कि अक्षय के साथ दोबारा काम करने को लेकर भी वो काफी एक्साइटेड हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीनियर एक्टर ने फिल्म में अपने किरदार के बारे में सुनकर ही इसे साइन कर लिया था। एक्टर ने कहा कि स्क्रीन पर काम करने के अलावा भी अक्षय के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है।